देसी घी घर पर बनाने की रेसिपी जो है आपने यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस में देखी होगी, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको घर पर घी बनाने का जो तरीका बताने जा रही हूँ, साथ में इसमें एक जो इंग्रेडिएंट मैं डालने वाली हूँ, इससे जो है आपका ये जो घी है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरपूर हो जाएगा। इसमें आयुर्वेदिक गुण आ जाएंगे जिससे जो है आप वायरल इन्फेक्शन, सर्दी खांसी ज़ुकाम से हमेशा दूर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर हिट करें। तो फ्रेंड्स, ये जो घी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो यहाँ पर जो है घी बनाने के लिए मैंने मक्खन ले लिया है और उसे एक बर्तन में मैं मेल्ट कर रही हूँ। आपको ध्यान रखना है, जब भी आप घी बना रहे होते हैं तो आपको बर्तन बड़ा सा लेना है ताकि जब इसमें उफान आए तो घी जो है वो बर्तन के बाहर ना आ जाए, इसलिए आपको बर्तन जो है वो बड़ा ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टील का बर्तन ले लिया है और इसमें मैं मक्खन को मेल्ट कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पर झाग आना स्टार्ट हो गया है। ये जो है घी बनाने की पहली स्टेज है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारा झाग आना स्टार्ट हो गया है। मैं इसे कंटिन्यूसली इस तरह से स्टियर कर रही हूँ ताकि इसमें जो है लम्स ना रहे, गुठलियाँ ना रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से घी जो है ये पकना स्टार्ट हो गया है। जो मक्खन है वो मेल्ट होकर अच्छी तरह से पकना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स, अब ये जो झाग है ये कम होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। घी बनाने की जो ये प्रोसेस है इसे बहुत ही प्रॉपरली करना पड़ता है, अदरवाइज़ घी जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, जल्द ही ख़राब होने की दिक्कत हो सकती है। इसलिए घी बनाते समय बहुत ही पेशेंस के साथ आपको घी बनाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं झाग जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और नीचे जो है इसके खुरचन बैठता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं घी जमा हो रहा है। आपको इसी तरह से इसे पकने देना है। और अब इसमें जो इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर रही हूँ, ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये लकड़ी है, ये कोई मामूली लकड़ी नहीं है। तो ये जो है मसालों में यूज़ करने वाली दालचीनी है। इसके बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड फ़ायदे होते हैं। दालचीनी जो है सर्दी खांसी ज़ुकाम को दूर करने में, वायरल इन्फेक्शन से दूर रखने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरह से इस स्टेज पर आपको इस दालचीनी की लकड़ियों की जो टुकड़े होते हैं इसे डाल देना है और अच्छी तरह से इसे स्टर करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इस दालचीनी को आपको इस स्टेज पर जब आप इसे डालेंगे तो इसे अच्छी तरह से पकने देना है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि ये जो खुरचन है इसे अच्छी तरह से ही आपको पकने देना है। अगर ये सफ़ेद रह जाता है तो आपका जो घी है वो जल्दी ख़राब होने की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको खुरचन को अच्छी तरह से पकने देना है। जब तक ये ब्राउन हो जाए तब तक आपको इसे अच्छी तरह से पकाना है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से हमारा घी यहाँ पर बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और साथ ही ये जो दालचीनी की लकड़ियाँ है इसे भी हमें इसमें डालकर अच्छी तरह से घी को पका लेना है। अब जो है फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज से भरपूर ऐसा ये हमारा घी बनकर तैयार है। मैंने गैस का जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ऐसा ये घी बनकर तैयार है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं। घर पर आप इस तरह से मक्खन से जो है दूध से मलाई निकाल कर और मक्खन की सहायता से इस तरह से घी बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। अगर आप जल्दबाजी में घी बनाते हैं, इसे कच्चा रख देते हैं तो आपका घी ख़राब हो सकता है। साथ ही इसमें हमने ये जो दालचीनी के टुकड़े डाले हैं इससे जो है ये घी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी से भरपूर हो जाता है। आपको हमेशा स्वस्थ रखने में ये जो घी है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये जो घी है फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। इस तरह से ये जो खुरचन है ये जब ब्राउन कलर का हो जाए तब तक आपको इस घी को अच्छी तरह से पकाना है। आप देख सकते हैं नीचे ये जो खुरचन है ये पूरी तरह से अच्छी तरह से पक चुका है, ब्राउन कलर का हो चुका है।
और दालचीनी भी आप देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमें छन्नी की मदद से छान कर निकाल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस घी को छान लिया है। एक बारीक छन्नी से आपको इसे छान लेना है ताकि इस तरह से आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज से संपन्न ऐसा ये घी आपको तैयार मिल जाए। तो आप भी इस तरह से स्वास्थ्यवर्धक घी अपने घर पर ज़रूर बनाएं और आप लोगों का एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।